उनके परिवारजनों को नमन करते हुए मैं श्रद्धांजलि बताता हूँ। आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमान कानू साहब। ये बोर्ड का आइडिया है जिससे अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए कि विश्व के साथ साथ अपन को भी सहयोग करना है। जब भी अपना बोर्ड सुरक्षित रहेगा, जब भी अपनी धरती सुरक्षित। इस मौके पर मैं सभी पधारे हुए मेहमानों से यही निवेदन करूंगा कि अपना कार्यक्रम ये आगे चलता रहे। एक प्रकार से अपने SC ST का जो बैकवर्ड एरिया है उनसे हमें दावत करने जा रही है। भावना अपना राष्ट्र विरोध की गतिविधि देखी जाए तो तुरंत BSF और पुलिस को सुपरपोर्ट की जाए, सुनाई जाए और इंफॉर्मेशन दी जाए। भाइयों, ये जो शहीद हुए हैं 1963 में हुए थे और उनके आज मेले लग रहे हैं, तो आप भी इससे प्रेरणा लेकर के वह विकास करेगा और अपन प्यार से एक दूसरे पर रहेंगे। आज का समय कुछ गलत चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ भक्तियां कैसी जा रही है, इन सब को छोड़ करके अपने पूर्वजों से शिक्षा लेकर के अपन को एक साथ होकर चलना चाहिए। इस आयोजन जरूर दें, तब कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो मिलके इस कार्यकारिणी जो कमेटी हमारी उसको हम जो है करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसलिए आपको सूचना दी जाए कि जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो इस 15 दिन के अंदर हम एक मीटिंग करेंगे, उसमें सब आएंगे ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि इस कार्यक्रम को हम जो है हर हमेशा के लिए अच्छे तरीके से कर पाए। मैं ज्यादा पंडाल में जितने भी यहाँ विराजमान है सबको एक उद्बोधन दिया जोश खरोश के साथ। अगली कड़ी में मैं निवेदन करने जा रहा हूँ चामला राम जी बागीला साहब से, पधारे हैं और हर वर्ष आप सही होते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम में। 65 में भी बात खाई और 71 में भी बुरी तरह से बात खाई, यहाँ तक कि पाकिस्तान के दो टुकड़े। और अभी जो 1990 कारगिल में क्या हुआ था, मैं उस पर सांसद था, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, फिर भी ये कुछ न कुछ खुरापत करता रहता है। इस दिन साथियों में ऐसे जो फंक्शन होते हैं उसे आपको सीख लेनी चाहिए कि ये नहीं कि आए अपने को नमस्कार किया माला पहनाई चले गए। ये जो आज़ादी मिली है बहुत मुश्किल से मिली है और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपनी तरक्की करने के लिए हमको एक साथ रहना चाहिए। आज हिंदुस्तान जिसने 70 साल में जो तरक्की की है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आज अमेरिका जो बहुत बड़ा प्रभाव, मैं उस जाट समाज के लोगों को धन्यवाद दूंगा जिनके परिवार लोगों ने ऊंट पर पानी की पखाले फौज को पहुंचाई, पानी भर भर कर कुआं से निकाल कर पानी फौज को पहुंचाया। और फौज का जब राशन नहीं आया MP साहब, तब लोगों ने हर 10 घरों में हर घर में से 10-10 आदमियों की रोटियां, सब्जी, दही, दूध मेरे पिताजी स्वर्गीय हेम सिंह जी के कहने से वो लाकर देते थे, फिर मिलिट्री की गाड़ी में डालकर मोर्चा पर पहुंचाते थे। ऐसा काम विकट स्थितियों में करना हमारी इस सोबाले के चौधरी परिवार का मैं बहुत ही बड़ा आभार व्यक्त करता हूं इस मौके पर। भाई गुमनाराम जी बैठे, इनके परिवार, मैं इनकी माताजी को भी नमन करता हूं कि इन्होंने खूब रोटियां खिलाई लोगों को।
और एमपी साहब मैं आपको बताऊं, सन 78 में जो 65 में मेरे पिताजी ने काम किया वो सबको पता ही है।